जरूरत पड़ने पर आपका कोई साथ ना दे, आपकी हर बात को इग्नोर कर दिया जाए या आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा हो, तो हमें काफी बुरा लगता है। ऐसी क्या बात है जिस वजह से हम ऐसे किए गए बिहेवियर को कन्फ्रंट करते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू जज दैट यू आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। हम कैसे जाने कि लोग आसपास के आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? जानना जरूरी है कि कैसे लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आप क्या करेंगे और ऐसी क्या बातें हैं जिनसे आपको लगता है कि आप फॉर ग्रांटेड लिए जा रहे हैं। देखिए, जब आप सबके लिए हाजिर हैं और कोई आपके लिए नहीं होता, जब आप सबको टाइम देते हैं लेकिन जब आपको ज़रूरत है कोई आपको टाइम नहीं देता, जब आप सबकी मदद के लिए खड़े हैं लेकिन कोई आपकी मदद के लिए नहीं खड़ा, और सब यही सोचते हैं कि जब ज़रूरत हो आप हमेशा उनके लिए होंगे, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। अब जब आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है तो क्यों लिया जा रहा है, थोड़ा इस पर नज़र डालते हैं। देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी फैमिली के अंदर बहुत से लोग हैं, माँ हैं, पिताजी हैं, आपके भाई बहन हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, अलग अलग लोग आपके साथ इस परिवार में साथ रहते हैं और हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, निस्वार्थ बहुत कुछ करते हैं, अपना वक्त, अपना पूरा वक्त, अपना टाइम, अपनी एनर्जी सब उनकी तरह लगा देते हैं निस्वार्थ। बच्चे छोटे होते हैं, हम पूरी एनर्जी उन पर देते हैं कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, और यही बच्चे जब जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं इस बात को टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात हो जाती है। इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात बनाया किसने? आपने। दूसरा एग्जांपल, आप खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है जो आप जानते हैं कि इतने पैसे नहीं खर्च सकता, और जब बिल आता है तो आप उसके लिए हमेशा पैसे देते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हर बार आप ही पैसे देते हैं, तो पांचवी बार वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसके लिए ये पैसे देंगे, तो ही हैज़ टेकन यू फॉर ग्रांटेड। बात इनोसेंस से शुरू हुई थी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से शुरू हुई थी और एक हैबिट बन गई। हमें मालूम नहीं चला ये हैबिट कब बन गई, आपकी ज़िंदगी में कब लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। तो इससे कैसे बाहर निकलें? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको जैसे ही मन में लगे कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। कोई अंतर्यामी तो है नहीं, कोई आपका मन तो पढ़ नहीं सकता कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर ऐसी कोई भावना आपके मन में उथल पुथल कर रही है कि जब मेरे को ज़रूरत है कोई नहीं है, हर बार क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही सबके लिए क्यों करूं, दूसरा कोई मेरे लिए क्यों नहीं करता, अगर ऐसी भावनाएँ आपके मन में आ रही हैं तो बोलिए, बात कीजिए, लेकिन चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। शांति से बैठ के अपने मन की भाव बताइए कि हर बार मैं करती हूँ और इस बार मुझे लगता है कि अब हर बार करने की वजह से सब लोग मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो अब मैं शायद इसमें थोड़ा रूटीन में थोड़ा चेंज लाना चाहूँगी। बोलिए, बताइए। दूसरी चीज़, अपने अंदर झांक के देखिए, क्या आप भी दूसरे इंसान को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे? कई बार गलती आप में होती है और हम गलतियां औरों में ढूंढने लगते हैं। जैसे इस कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी कि एक बार एक हस्बैंड थे, उनको लगा कि उनकी वाइफ जो है उनको कान से ठीक से सुनाई नहीं देता, वो अपनी वाइफ को हेयरिंग एड दिलाना चाहते थे। तो जब वो दुकान पे गए तो दुकान वाले ने कहा भी मुझे मालूम नहीं कितनी पोटेंसी का हेयरिंग एड दूँ आपको, तो एक छोटा सा टेस्ट कीजिएगा, घर जाके आप 20 फुट की दूरी से अपनी वाइफ से कुछ कहिएगा, फिर नहीं सुनती तो थोड़ा और पास, फिर मुझे बताइए कि कितनी दूरी से वो ठीक से सुन पाती हैं। इसने कहा ठीक है, घर गए, 20 फुट की दूरी से उसने अपनी वाइफ को आवाज़ लगाई, आज खाने में क्या बना है? कोई जवाब नहीं लगा, उसको लगा कोई जवाब नहीं आया। 10 फुट की दूरी पे जाके फिर आवाज़ लगाई, आज खाने में क्या बना है? कोई जवाब नहीं। 5 फुट की दूरी, 3 फुट की दूरी, और फिर बिल्कुल पास जाके कान में घुस के एकदम से बोले, आज खाने में क्या बना है? तो उनकी जो बीवी थी वो पलट के बोली, 25 बार तो कह चुकी हूँ, आज रात को बैंगन का भरता बना है। दोस्तों, ज़रूरत किसको थी? उसकी वाइफ को नहीं थी, जो हेयरिंग एड की ज़रूरत थी वो खुद हस्बैंड को थी, क्योंकि वो खुद ठीक से सुन नहीं पाते थे। तो कई बार हम लोग ये समझते हैं कि गलती किसी और में है, लेकिन गलती निकलती आप में है। तो अपने अंदर झांक के देखिए, क्या आप अपने आसपास के रिलेशंस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड आप ही तो नहीं ले रहे? क्योंकि जैसा आप करते हैं
वैसा ही आपको वापस भी मिलता है, क्योंकि दुनिया वैसी ही चलती है जैसी आप उसको चलाते हैं। आसपास बहुत सी आंखें आपको देख रही हैं, जैसा उदाहरण आप देंगे वैसे ही उनका भी बिहेवियर होगा। तो दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि क्या आपने भी तो वैसा नहीं किया, और अगर किया है तो उसको सुधारिए। तीसरी चीज़ जो आपको सीखनी है वो सीखनी है ज़िंदगी में ना बोलना। हम लोग ना बोलते ही नहीं, ना नहीं बोलते तो हर कोई आपको ग्रांटेड ले लेता है। ना बोलिए, लेकिन एक सैंडविच के रूप में बोलिए। मैं ये नहीं कर सकती लेकिन ये कर दूंगी, लेकिन ये नहीं कर सकती, कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव दे के ना बोलना ज़रूर सीखिए। चौथी चीज़, ताली एक हाथ से नहीं बजती। दूसरे इंसान को समझाइए कि वो जो कुछ भी चाहते हैं कहीं ना कहीं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन भी उसमें बहुत ज़रूरी है। और पाँचवीं चीज़, एक उदाहरण अपने बच्चों के सामने दीजिए। बच्चों को ग्रैटिट्यूड की भावना सिखाइए, उन्हें कृतज्ञ होना सिखाइए कि अगर कोई इंसान आपके लिए कुछ करता है तो दूसरे इंसान को फील करवाइए कि आप थैंकफुल हैं कि कोई इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कोई आपके लिए कुछ करे, लेकिन अगर कोई कुछ कर रहा है तो दूसरे को थैंकफुल, उसके वो जो फीलिंग है ग्रैटिट्यूड की, वो ज़रूर आनी चाहिए। तो बच्चों को सिखाइए बचपन से ही कि अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसके लिए थैंक यू बोलना सीखिए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपके लिए भी कोई कुछ कर रहा है तो आप उसको भी बताइए कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट मानते हैं। उसको थैंक यू बोलना सीखिए, उसकी तरफ ग्रैटिट्यूड दिखाइए, एप्रिसिएशन दिखाइए, ताकि कल जब आपके लिए उसके कुछ करेंगे तो वो भी आपको वापस एप्रिसिएशन देगा, और आप रियलाइज़ करेंगे कि अब आप अपनी मर्ज़ी से किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। और बहुत ज़रूरी है, लोगों को खुश करने के लिए, वाहवाही पाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए ही काम मत कीजिए। जो भी करें सच्चे दिल से करें, दिखाई देता है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ कर रही हैं तो आप कितनी भी कोशिश करें लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही करेंगे। याद रखें, आप जो भी करें सच्चे दिल से करें, सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए काम ना करें। हेल्प करना है तो सच्चे दिल से हेल्प करना सीखिए। ना खुद को फॉर ग्रांटेड होने दीजिए, ना आप किसी को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए जैसे ही ये एक हैबिट बनने लगे आप उसको जड़ से ही काटनी शुरू कर दें। आसपास के लोग जब आपको देखेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और ज़रूरी नहीं कि कोई आपको फिर आगे से फॉर ग्रांटेड लेने लगे। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।